हमास और इसराइल की जंग को 40 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन एक और ऐसा मोर्चा है जो लगातार इसराइल के लिए चुनौती बना हुआ है वो है लेबनान का मोर्चा जहां से हिजबुल्ला लगातार इसराइल के ठिकानों पर बड़े बड़े हमले कर रहा है आखिर हिजबुल्ला सात अक्टूबर के बाद से ही इतना सक्रिय क्यों है और क्यों हमास और हिजबुल्ला में फ़र्क किया जाना ज़रूरी है और हिजबुल्ला के अब तक के जितने हमले इसराइल के ठिकानों पर किए गए हैं उसमें कुछ ऐसा ज़रूर नज़र आया है जिससे ये लगता है कि हिजबुल्ला किसी बहुत बड़े हमले की और बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है वो है इसराइल के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके तकनीकी उपकरणों को निशाना बनाना आठ अक्टूबर के बाद से ही इसराइल पर लगातार हिजबुल्ला हे, के हमले जारी हैं लेकिन एक चीज़ जो लगातार हमलों में दिख रही है वो है इसराइल के जो तकनीकी उपकरण हैं जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं उनको हिजबुल्ला निशाना बना रहा है वो निशाना क्यों बना रहा है दरअसल लेबनान और इसराइल के जो बॉर्डर है वो क़रीब 120 किलोमीटर 122 किलोमीटर लंबा एक पूरा सरहद है और उस सरहद पर इस सरहद पर भी इसराइल ने वैसे ही बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की हुई हैं जैसी आपने आम तौर पर गाज़ा पट्टी और इसराइल को अलग करने वाली दीवारें देखी होंगी लेकिन यहाँ स्थिति कुछ अलग है जो हिजबुल्ला है वो इस इलाके में बेहद ताकतवर माना जाता है दक्षिणी लेबनान में और यही वजह है कि जैसे ही सात अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर बड़ा हमला किया उसके बाद सही अगले दिन से आठ अक्टूबर के दिन से ही हिजबुल्ला ने इसराइल के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं जितने भी विजुअल, जितने भी वीडियो अब तक सामने आए हैं वो वीडियो जिनमें हिजबुल्ला ने इसराइल को निशाना बनाया है उसमें ज़्यादातर वीडियोज़ हमने देखे हैं वो वैसे वीडियोस हैं जिसमें टेक्निकल इक्विपमेंट्स को निशाना बनाया मसलन टावर जैसी चीज़ है वो उसको तबाह किया इसके अलावा जो निगरानी रखने वाले उपकरण हैं उनको निशाना बनाया कम्युनिकेशन सेंटर्स को निशाना बनाया देखिए इसराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी तकनीक है ये हर कोई जानता है तकनीक के सहारे इसराइल ने दुनिया में एक अलग मुकाम बनाया है चाहे बात करें आप आयरन डोम की या फिर बात करें आप एयर डिफेंस सिस्टम की या जिसकी चर्चा होती हैं जो स्पाईवेयर है पेगास उसकी तो ऐसे में तकनीक के मामले में इसराइल बहुत ताकतवर मुल्क माना जाता है और यही वजह है कि उसने अपनी सरहदों को बेहद सिक्योर रखने के लिए अपनी तकनीक को अगले स्तर पर आ, ले जाया है और अब जब ऐसे में युद्ध चल रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत को चोट पहुंचाया जाए और यही हिजबुल्ला कर रहा है कि सरहद के साथ जितने भी इसराइल के टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं कम्युनिकेशन सेंटर हैं उनको इसराइल निशाना बना रहा है क्या हिजबुल्ला निशाना बना रहा है माफ़ कीजिएगा क्या हिजबुल्ला बड़ी तैयारी कर रहा है क्या तैयारी कर रहा है क्या अगर वो कम्युनिकेशन सेंटर सरहद के इलाक़ों का काट देगा तो क्या वो और हमलों में तेज़ी आएगी क्या हिजबुल्ला के लड़ाके सरहद के आसपास युद्ध को और तेज़ कर सकते हैं क्या इस संभावना से इनकार किया जा सकता है कि हिजबुल्ला के लड़ाके क्या इसराइल की सरहद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे लेकिन जो सीक्वेंस चल रहा है जो वॉर की चीज़ें चल रही हैं जो ग्राउंड पर दिख रहा है उससे ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है हिजबुल्ला के बारे में क्या कहा जाता है वो ताकतवर क्यों है वो इसलिए ताकतवर है कि हिजबुल्ला के पास इजरायली दावा करता है कि करीब डेढ़ लाख लड़ाकों की एक फोर्स है जिसमें करीब आधे लड़ाके जो हैं वो बेहद सक्रिय होते हैं मतलब वो सीधे वॉर में जाकर इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होते हैं और आधे जो लड़ाके हैं वो रिज़र्व में रहते हैं मतलब ये कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या सबसे पहले इसराइल के जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उनको निशाना बनाने के लिए हिजबुल्ला बड़ी तैयारी कर रहा है और ये हमें लगातार दिख रहा है अगर अभी हमलों की बात करें करीब 40 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है हिजबुल्ला ने पिछले 24 घंटे में बहुत बड़ा हमला किया इसराइल के ठिकानों पर तेरह ऐसे इसराइल के ठिकाने थे जिन पर हिज़बुल्ला ने हमला किया और इन इजरायली ठिकानों में ऐसी बहुत सारी साइट्स नज़र आईं जहां पर टेक्निकल इक्विपमेंट्स को निशाना बनाया इसके अलावा उसने सैन्य टुकड़ियों को निशाना बनाया और हिजबुल्ला ने यह दावा किया कि काफ़ी नुकसान इसराइल का हुआ है न सिर्फ़ जानी नुकसान बल्कि जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उनको भी तबाह किया है तो ये जो जि युद्ध जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे ये लग रहा है कि आ, हिजबुल्ला कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है दक्षिणी लेबनान में जो कि इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है न्यूज़ 18 इंडिया लगातार ग्राउंड से आप तक रिपोर्ट दिखा रहा है कि आखिर किस तरीके से हिजबुल्ला इसराइल के ठिकानों को निशाना बना रहा है और इसराइल उन ठिकानों को निशाना बना रहा है तो वो तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं अब बात करें हिजबुल्ला की ताकत की हिजबुल्ला की ताकत इस इसलिए भी ज़्यादा कही जाती है क्योंकि उसको इस ईरान का सपोर्ट हासिल है ईरान का समर्थन हासिल है चाहे फंडिंग हो हथियार हो या फिर लड़ाकों की ट्रेनिंग हो उसमें ईरान के योगदान को नहीं भूला जा सकता क्योंकि ईरान जो है हिजबुल्ला की बैकबोन हम कह सकते हैं और हिजबुल्ला को सबसे ज़्यादा जो खाद पानी है वो ईरान से ही मिलता है और हिजबुल्ला के पास जिन हथियारों का जिक्र किया जाता है वो बेहद आधुनिक हथियार हैं एयर डिफेंस सिस्टम हैं लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं तमाम तरह के जो भी जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं वो हिजबुल्ला के पास हैं तो ये जो सरहद है 120 किलोमीटर लंबी, यहाँ पर लगातार हिजबुल्ला इसराइल के कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बना रहा है ताकि उसका जो कम्युनिकेशन है वो तोड़ सके और फिर हमलों में तेज़ी कर सके और क्या इसराइल की सीमा में दाखिल होकर भी हिजबुल्ला हमला कर सकता है ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो जंग छिड़ रही है इससे पहले एक बड़ी जंग साल 2006 में छिड़ी थी जब हिजबुल्ला ने इसराइल के दो सैनिकों को अगवा कर लिया था इसराइल की सीमा में जाकर आप समझिए इसराइल के ख़िलाफ़ हिजबुल्ला ये हिमाकत पहले भी कर चुका है कि उसकी सरहद के भीतर जाकर उसके सैनिकों को उठाकर अपनी सरहद में लाया और ये जंग 2014-2006 में 34 दिन तक चली थी जिसमें बड़ा नुकसान दोनों तरफ से हुआ था और इस जंग जब भी हिजबुल्ला और इसराइल के का इतिहास की बात होती है तो साल 2006 को ज़रूर याद किया जाता है क्योंकि भीषण जंग इन दोनों के बीच में हुई थी तो क्या उसी की तैयारी उसी को रिपीट करने की तैयारी हिजबुल्ला कर रहा है इस मोर्चे पर आ, देख कर यही समझ में आता है लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसमें हिजबुल्ला लगातार आ, अटैक कर रहा है इसराइल के ठिकानों पर और इसराइल हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले कर रहा तो ये बड़ी रोचक स्थिति है इस जंग में अभी देखिए जो इसराइल है वो गाजा में हमास के ख़िलाफ़ लगातार बड़ी जंग लड़ रहा है और इस मोर्चे पर भी आ, उसको बड़ी चुनौती हिजबुल्ला की तरफ से मिल रही है तो अब सिर्फ यही इसमें देखना होगा कि ये जो जंग है ये कितना लंबा खींचेगी क्योंकि हिजबुल्ला लगातार हमलावर है इसराइल के ठिकानों पर और ये हम 8 अक्टूबर के बाद से ही देख रहे हैं